इस मेरठ नगरी भामा साहों की नगरी में आने का सौभाग्य मिला है। मैं धन्य हो गया, सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप सभी ने बहुत विशेष आशीर्वाद दिया मुझे। विशेष नमन करता हूं अध्यक्ष जी विराजमान हैं, आदरणीय ऋतुराज जी। महासतियों में महासती चेल्ला का नाम आता है, महासती चंदनवाला का नाम आता है, महासती अंजना का नाम आता है, महासती मनोरमा का नाम आता है। ऐसे अनेकों नेक हमने महासतियों के नाम सुने। आज आपको मैं जोड़कर चल रहा हूं महासती मैना सुंदरी। आज के वर्तमान में जो अन्यत्र भटक रहे हैं, अपने देव शास्त्र गुरु पर जिनको श्रद्धा नहीं है भटक जाते हैं, यह दृश्य देख लेना, इस नाटिका को देख लेना। मैं विश्वास और गारंटी के साथ कहता हूं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसी थी मैना सुंदरी। एक बार ऐसी मैना सुंदरी के लिए तो तालियां बजा दो। सिद्धों की आराधना जिन्होंने की, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी विलंब के आप सभी को जोड़कर चलूं। समय भी हो रहा है। मां सरस्वती मां को नमन करता हूं, मां वीणा वादिनी को नमन करता हूं। हे मां, सुनने वाले को सुनने की शक्ति देना, सुनाने वाले को सुनाने की शक्ति देना। सरस्वती नमस्तुभ्यम वर्धे काम रूपिणी, नाटक आरंभ करिष्यामि, सिद्धिर भवतु मे सदा। मुझे जैन कुल में जन्म देने वाले मेरे माता पिता, एक बार उनके लिए तालियां बजा दो। पिछले एक महीने से मैं घर नहीं गया हूं। पंचकल्याणक एक के बाद दूसरा, एक के बाद तीसरा, एक के बाद चौथा, ये चौथा है, इसके बाद एक और है, वो इंतजार करते हैं। एक बार उन तक आपकी तालियों की आवाज पुनः पहुंचे। चलते हैं ऐसी महासुंदरी मैना सुंदरी की गौरव गाथा की ओर। सुंदरी राजा बहुपाल की पुत्री, दोनों बहनें सुरसुंदरी और मैना सुंदरी। चलते हैं ऐसी मैना सुंदरी की गाथा।
महासती मैना सुंदरी, महासती मैना सुंदरी, भाग्य भरोसे चुन लिए काटे, काटे बन गए फूल, तालियां, भाग्य लिखाना मिटे मिटाए, फूल भी बन गए शूल, महासती मैना सुंदरी। तपस्या और त्याग की मूर्त, कर्म से बदली भाग्य की सूरत, मुख पर तेज पावन सीरत, सुंदरी राजा बहुपाल की पुत्री। ऐसा कर्मों का खेल, ऐसी कर्मों की क्या परीक्षा हुई। आइए हम सभी जुड़ते हैं महासती मैना सुंदरी की गौरव गाथा की ओर। भारतीय तपोवन आर्ट ग्रुप दिल्ली के समस्त कलाकारों द्वारा आज की यह मनमोहक प्रस्तुति आप सभी के मध्य प्रस्तुत है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। दोनों पुत्री नित प्रतिदिन प्रभु आराधना किया करते, जिन्हें मंदिर जाया करते, जिनालय जाया करते। प्रभु आराधना में लीन रहते।
कितना पुण्य है कि हमें जैन धर्म मिला और जैन कुल मिला। हाँ दीदी सही कहती हो। सुरसुंदरी अब हम तीजी नाले के दर्शन कर लिए, चलो राज दरबार में पिताश्री इंतजार करते होंगे। हाँ दीदी चलो चलते हैं। सावधान होशियार 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 महाराजा दी राजा महाराजा पहुपाल अयोध्या के उस राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहिए मंत्रीवर,
हमारे राज्य में हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं नहीं महाराज, जिस नगर के आप जैसे प्रजापालक हो, भला उस नगर की प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट कैसे हो सकता है? महाराज, आपके राज्य की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि सभी प्रसन्न रहते हैं, चारों ओर खुशहाली रहती है। अति उत्तम मंत्रीवर, परंतु मंत्रीवर आज हमारी दोनों पुत्रियां कहीं नजर नहीं आ रही। कहां है हमारी लाडली राजकुमारी? महाराज वह देखो, दोनों पुत्रियां चली आ रही हैं। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। आशीर्वाद है पुत्रियों। कहां से आ रही है मेरी दोनों पुत्रियां? हम दोनों बहनें जिन मंदिर से आ रहे हैं पिताश्री, जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करके। अति उत्तम पुत्रियों, आज हम आप दोनों से कुछ पूछना चाहते हैं। मैं सुंदरी सुरसुंदरी। जी पिताश्री। जब पुत्री विवाह के योग्य हो जाती है तब पिता की रात्रि की नींदें उड़ जाया करती है, और हर पिता का कर्तव्य होता है कि वह अपनी पुत्री का विवाह सही समय पर कर दे। और अब आप दोनों विवाह योग्य जो हो चुकी है, इसलिए पुत्री मैंने सोचा है आप दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार किया जाए। परंतु एक पिता का कर्तव्य यह भी है कि वह एक बार पुत्री की मन की इच्छा भी पूछ ले। इसलिए मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं। कहिए पिताश्री। हां, पहले सुरसुंदरी हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर तुम्हारे मन में कोई राजकुमार है तो निसंकोच होकर मुझे बताओ, उसी के साथ मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार करवा दूंगा। पिताश्री वो शर्मा रही है मेरी पुत्री। बोलो, निसंकोच होकर बोलो। बाबा, मैं तो बस इतना जानती हूं, विद्या या यह रूप धन और पति का नील आप पुण्यों से मिले मन वांछित सुख नील। वाह पुत्री वाह। तुम्हारे मन का उत्तर सुनकर मैं जान गया, फिर भी तुम बताओ अपने मन की बात। पिताश्री, आपने जब पूछा है तो मैं हाँ बता ही देती हूं। हाँ बोलो पुत्री। वो कौसाम्बी नगरी के नरेश, उनके पुत्र अरिदमन। वाह पुत्री वाह। सुंदर, हम शीघ्र ही संदेशा भिजवाते हैं। पुत्री मैना, सुरसुंदरी ने तो अपने मन की इच्छा हमें बता दी, अब हम तुमसे भी पूछना चाहते हैं, अगर तुम्हारे मन में भी कोई राजकुमार है तो तुम भी हमें निसंकोच होकर बता सकती हो। क्षमा करना पिताश्री, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति,
इस बात की आज्ञा नहीं देते कि माता पिता के रहते कोई बेटी अपने पति का स्वयं निर्वाहन करे। मैं कुछ समझा नहीं बेटी, कहना क्या चाहती है? पिताश्री, ऐसी विवाहें कभी सफल नहीं होते। अक्सर देखा गया है कि यौवन अवस्था में उचित निर्णय नहीं लिया जा सकता। जितना अनुभव माता पिता को होता है उतना अनुभव मुझे कहां होने लगा। मैं तो बस इतना जानती हूं, माता पिता जिसको भी वचन देंगे और भाग्य का चयन करेंगे, पति का चयन करेंगे, वही जगह एक पुत्री के लिए सुख है। वाह पुत्री वाह, तेरी बात सुनकर मन प्रसन्न हुआ। फिर भी तेरे मन के अंदर कोई बात है तो बोलो, मैं पूर्ण करूंगा उसे। नहीं पिताश्री, भाग्य साथी है, जो भी भाग्य में होगा वही होगा। क्षमा करें पिताश्री, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। जीव अपने कर्मों के अनुसार अपने भाग्य बनाता है और वो अपने भाग्य बिगाड़ता है। भाग्य बहुत बलवान होता है और मेरे भाग्य को आप जिस प्रकार संजोएंगे वही मैं आपकी हां में हां करूंगी। बेटी बड़ी बड़ी बातें ना कर, हम तेरे पिता हैं। अभी अपने पिता के सामने धर्म की व्याख्या मत कर, मत कर। पिताश्री, जैसी शिक्षा बेटी को मिलती है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। अरे इसका मतलब सुर सुंदरी ने शिक्षा गलत पाई और तुमने सही शिक्षा पाई। पिताश्री, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं है, मैंने अपनी आर्का माँ से शिक्षा पाई है। तो इसने भी तो आर्का माँ से शिक्षा पाई। अपनी अपनी बात है पिताश्री, मुझे माता श्री ने शिक्षा दी है और उन्होंने यही कहा है कि कर्मों के अनुसार भाग्य बनते हैं, भाग्य से जीवन चलते हैं। कोई किसी का साथी नहीं है, ना कोई किसी के साथ आता है ना कोई किसी के साथ जाता है। बेटी तू इस राज्य में रहती है? जी पिताश्री। किसके राज्य में रहती है? राजा पहुपाल के। अपने पिता के महलों का रहन सहन, राजशाही वस्त्र आभूषण, भोजन की छुदावलन हमारे द्वारा पितित है तुझे। तो इसीलिए तेरा भाग बनाने वाले हमें, तेरा भाग बिगाड़ने वाले हमें। आज तेरे पास है सब कुछ, मेरा है। नहीं पिताश्री, आप देने वाले कौन हैं? भाग अच्छा है तो आप भी राजा हो गए, अगर भाग के विपरीत होता तो आप भी कहीं रंग होते। क्या कह रही है? हमें रंग बता रही है। जिसने तुझे पाला पोसा बड़ा किया उसे रंग बता रही है। इसका मतलब तेरा पिता तेरे लिए कुछ नहीं है। नहीं पिताश्री, क्षमा करें मुझे,
भाग्य के आगे भाग्य से बढ़कर कोई नहीं है। पिताश्री भाग्य को बनाने वाले नहीं है, जो कुछ भी है सभी का अपना भाग्य है, उसे सब कुछ प्राप्त होता है। कितना बढ़ चढ़कर बोल रही है, हम तुझे भोजन देते हैं। नहीं पिताश्री, मेरा भाग्य देता है। हम तुझे सारी सामग्री देते हैं। नहीं पिताश्री, मेरा भाग्य देता है। हम तुझे वस्त्र देते हैं। नहीं पिताश्री, सब कुछ मुझे मेरे भाग्य से मिला है। तूने मेरा अपमान किया है बेटी, दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हट जा इसी समय। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। अभी भी कहती हूँ, भाग्य सबसे बड़ा होता है, भाग्य से सब कुछ मिलता है। निकल जा, भाग्य बड़ा होता है। निकल जा, निकल जा, निकल जा। भाग्य, भाग्य। पिताश्री, आपको बहन के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तू देख रही है, तेरी बहन ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, व्यवहार किया, व्यवहार किया। मेरा कितना अपमान किया। अब मैं उसके भाग्य की परीक्षा लूंगा। मैं देखूंगा कि भय अपने भाग्य का खाती है या मेरा। मैं देखूंगा। पिताश्री, बात को इतना ना बढ़ाओ, वो आपकी बेटी है। पिताश्री, बेटी को क्षमा कीजिए, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए उसे। अपनी बहन को समझाओ, वह मुझसे माफी मांगे और बार बार कहे, मेरे सामने हाथ जोड़कर बोले कि पिताश्री मैं आपके भाग्य का खाती हूं। पिताश्री, जो आप मुझे देते वह सब आपके भाग्य से मिला। अगर यह सब बोले तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। अगर वह ना मानी तो सुन बेटी सुरसुंदरी, तीन प्रकार की हट होती है। पहली हट बाल हट, बच्चे को समझाया जा सकता है जैसे खिलौने देखकर। दूसरी हट त्रिया हट, वो मैना ने दिखाई है। तीसरी हट राजहट, अब राजा, अब राजा बहुपाल अपनी हट दिखाएगा। पिताश्री, आप इतने क्रोधित ना हो, मैं समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ उसे। जा, जा। मेरा मन बहुत क्रोधित है, जाओ उसे समझा, जा, जा। ठीक है पिताश्री, ठीक है। मेरी बेटी ने मेरा अपमान किया। मंत्री वर, मैं उसका भाग्य बदलूंगा। बदलूंगा। भाग्य कैसा होता है मैं उसे एहसास कराऊंगा।
अपने भाग्य पर उसे बहुत घमंड आए। महाराज मैना भी नादान है, अभी उसे ज्यादा समझ नहीं है। आप इंदा क्रोधित ना हो, शांत हो जाए महाराज, शांत हो जाए। इतना क्रोध आपको शोभा नहीं देता। मंत्रीवर, मेरी बेटी भाग्य के भरोसे जी रही है, उसके भाग्य को मैं बदलने जा रहा हूं। उसकी भाग्य को मैं बदलूंगा। राजा पहुपाल कभी अपने वचनों से पीछे नहीं हटता। प्रातः काल की बेला में सूर्य की प्रथम किरण के साथ जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा, उसी व्यक्ति के साथ मैं मैना सुंदरी के भाग का चयन करूंगा। अब देखता हूं मैना सुंदरी मेरे भाग का खाती है या अपने भाग का। देखता हूं भाग किसका प्रबल है। मैं बदलूंगा भाग भाग।
हम चलते चलते थक गए, हम सभी भूख प्यास के मारे गला सूख रहा है राजा जी, कुछ समय यही विश्राम कर लेते, कुछ समय भूलता गुलता हो नहीं। सही कह रहे हो पितृ, सही कह रहे हो। देखो सारे दुखे आ रहे इसी उपवन में विश्राम कर लेते हैं। आओ आओ यही पर कुछ समय विश्राम कर लेते। ना जाने उपवन में इतनी दुर्गंध कहां से आ रही है? इस दुर्गंध का क्या कारण है? महाराज यह तो मुझे नहीं पता, परंतु दुर्गंध तो बहुत आ रही है। आप ठहरिए, मैं देखकर आता हूं, अभी जाता हूं। ठीक है, सीधा से सही कह रहे थे। अरे कौन है ये लोग? ए भाई कौन हो तुम लोग? कहां के रहने वाले हो? यहां क्यों आए हो? जी 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 जी, कितनी बदबू आ रही है। कुश्ती कोड़ी? राजा जी सही कह रहे थे, बहुत दुर्गंध। चलो निकले यहां से। इतनी बड़ी टोली, थोड़ा परिचय दे दो, कहां से आए हो? हम सभी सासों सैनिक कुष्ठ रोग की वेदना सहन कर रहे हैं, कुछ समय आराम करना चाहते हैं। हम सभी जल्दी चले जाएंगे, आपकी आज्ञा हो तो कुछ समय विश्राम करने के बाद हम चले जाएंगे। हम तो भाग के मारे हैं। ठीक है, यथाशीघ्र निकल जाना। हाँ करो, विश्राम करो। धन्यवाद आपका राजा जी। क्या हुआ कहो मंत्रीवर, कुछ पता चला? महाराज कुछ यात्री हैं, कुष्ठ रोग से ग्रसित, परेशान हैरान से लग रहे थे, इसलिए हमारे उपवन में विश्राम करना चाहते हैं। मैंने उन्हें कह दिया, हाँ मैं कुछ समय बाद यहां से चले जाएंगे। क्या कहा? कुश्ती कोड़ी? ओ ठीक है, हम भी चलकर देखते हैं कहां है। आइए महाराज, देखिए, यह देखिए महाराज। ओ परदेसी, मैं अवंती नगरी का राजा बहुपाल, आप सभी कौन है, कहां से आए हैं?
और यह कुष्ठ रोग कैसे हो गया? महाराज, बिना अभिवादन स्वीकार करे यह सासों मित्रगण है। कुष्ठ रोग की बीमारी ने हमें जकड़ लिया महाराज। किस्मत के मारे अनजाने में आपके उद्धार में आ गए। उसके लिए क्षमा प्रार्थी। मैं क्षमा याचना करता हूं सभी की ओर से। चला जाऊंगा यहां से, मैं चला जाऊंगा बाला। बातों से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई राजकुमार हो। कुछ ऐसा एहसास हो रहा है। परदेसी, हमें अपना पूर्ण परिचय दो। महाराज, मेरा नाम श्रीपाल है। मैं आपके पड़ोसी राज्य का राजकुमार हूं। हम चंपापुरी नगरी से आए, साथ में 700 सैनिक लेकर दर दर भटक रहे। रातों रात हमने राजपाट नगरी को छोड़ दिया, चाचा जी को राजपाट दे दिया ताकि हमारी बीमारी किसी और को ना लग जाए। बन बन छुपते छुपाते भटक रहे हैं। अब तो बस यही इच्छा है इस रोग से कब छुटकारा मिले। कब छुटकारा मिले। लेकिन श्रीपाल, यह बीमारी कैसे लग गई आपको? महाराज, सब कर्मों का खेल है। हमारे भाग्य में यही लिखा था। भाग्य, यह श्रीपाल भी भाग्य की बातें करता है। नैना भी भाग्य की बातें करती है। भाग्य, सुनो सुनो श्रीपाल, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, आदेश करते हैं, और मेरा आदेश तुम्हें मानना होगा। क्या आदेश है महाराज? यही आदेश है कि कल तुम हमारे यहां बारात लेकर आओगे, हमारी पुत्री मैना से विवाह करोगे। नहीं महाराज, नहीं। कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? यही हमारा आदेश है। मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझसे गलती हो गई। मैं आपके नगरी में आ गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। मुझसे इतना बड़ा खेल मत खेलिए। मुझे देखिए, मैं कुश्ती कोड़ी, मैं आपकी पुत्री राजकुमारी है। राजा जी, इस समय मुझे क्षमा कर दो। राजा जी, ऐसा मत करो। श्रीपाल, शायद तुम्हें यह नहीं पता कि हम यहाँ के राजा हैं। हम चाहे तो तुम्हारे सभी मित्रों को मृत्यु दंड दे सकते हैं। राजा जी, और श्रीपाल,
थोड़े कहीं को अधिक समझ रहा। हम राजा हैं राजा, बारात की तैयारी करो। चलो मंत्रीवार, आइए महाराज, बारात की तैयारी करो। राजा जी सुनिए, राजा जी एक क्या किया मेरे साथ, आदेश कर दिया राजा जी ने, एक पल भी नहीं सोचा कि उनकी पुत्री राजकुमारी है। श्रीमान आज दूल्हा बनोगे? तुम्हें घरवाली मिलेगी और हमें खाने को थाली। आओ मित्रों चलो दूल्हा बनाएंगे मिलकर श्रीपाल को। देखो सज रहे, देखो श्रीपाल भाइयों, हम श्रीपाल की बारात निकालेंगे। मैं जब तक सहरा लेके आता हूँ। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। वक्त ही खूबसूरत, बड़ा ही शुभ लगन मुहूर्त, देखो क्या खूब जची है भूले की भूली सूरत, खुशी से झूमेंगे मन। आओ मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग मिलेंगे चोली से बल गए नाम। ओहो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। सभी भी शामिल हो सकते हो, आ जाओ, ऐसे श्रीपाल की बारात आ रही, आ जाओ, सभी को माताएं बहनें भी आ सकती हैं, आ जाओ, जिसको बारात में शामिल होना है, और क्या बोलेंगे? ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की। घोड़ी पे होके सवार चले गए दूल्हा यार, कमरिया पे बांधे तलवार, अकड़ता है लेला मिली है ऐसी लेला कि जोड़ी हो नहले पे देहला। Thank you.
थाना वाले जो बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ मेरी टीम के लिए नाटिका से प्रसन्न होकर 2100 रुपए की राशि प्रदान की है, एक बार जोरदार तालियां। का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। फेरों से बना दंगों कई बंधन, प्यार से जोड़ा गौरव ने प्रीत का दामन। सात फेरों से बना जन्मों कई बंधन, प्यार से जोड़ा गौरव ने प्रीत का दामन। मुश्किल बंधन को छुड़ाना लगता है, मुश्किल बंधन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सारी के सारी बारात आ गई है, आइएगा। हाँ जी, सारी के सारी बारात आ गई है भाइयों। हाँ, ओहो, इतने सारे, इतने सारे, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। शादी है आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। वक्त है खूबसूरत बड़ाई शुभ लगन महोरत, वक्त है खूबसूरत बड़ाई शुभ लगन महोरत, देखो क्या खूबसूरी है दूल्हे की भोले सूरत, खुशी से झूमे है मन मिला सजनी को साथ। ओ हो, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है, आज श्रीपाल की शादी है। आइए आइए जन्माष्टमी में। आप सभी के भोजन का बहुत अच्छा प्रबंध है, चिंता नहीं करना। Thank you.
योगेश जी अरहंत वालों की ओर से भोजन की व्यवस्था है, चिंता नहीं करना। हाँ, सब कुछ मिलेगा। आइए, तुम सभी भी आइए, वहां विराजमान हो जाओ। आओ वहीं पे आइए। हाँ चलो, जन्माष्टमी में। हाँ यहाँ पर, हाँ बैठ जाओ। बारात आ गई। हाँ, हाँ। महाराज कहाँ हो? महाराज कहो मंत्री हो। मंत्रीवर, विवाह की सारी तैयारियां हो गई, बारात की ठहरने और खाने की व्यवस्था। महाराज, बारात भी आ चुकी है और भोजन का प्रबंध भी हो चुका है। आप तनिक भी चिंता ना करें, मैंने स्वयं सभी व्यवस्थाओं को संभाला है। आखिरकार चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमारी बेटी मैना की शादी है। हम कोई भी कभी किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं रखेंगे। अति उत्तम मंत्रीवर। महाराज क्षमा करें, छोटा मुंह और बड़ी बात, कहीं हम मैना बेटी के साथ आवेश में आकर कोई अन्याय तो नहीं कर रही। मंत्रीवर, तुम इस राज्य के मंत्री हो और हमारे द्वारे में भली भांति परिचित हो। एक बार हम जो भी निर्णय लेते हैं उससे कदाचित पीछे नहीं हटते। हमारा निर्णय पत्थर की लकीर होता है। क्षमा करे राजन, क्षमा। और सुनो मंत्रीवर, अभी तक पंडित जी नहीं आए क्या? क्या उन्हें बुलावा नहीं भेजा? आ गया, आ गया, आ गए महाराज, आ गया, 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 महाराज। पंडित तो द्वार पर ही खड़ा था। पूर्व दिशा से प्रणाम, पश्चिम दिशा से प्रणाम, उत्तर दिशा से प्रणाम, उत्तर दिशा से प्रणाम, नैरत दिशा से प्रणाम, वायव्य दिशा से प्रणाम, नैरत कोण से प्रणाम, 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 प्रणाम। पंडित जी आदेश करें महाराज। क्या किसी का राहु काल बिगड़ गया था? क्या किसी का ग्रह प्रवेश कराना है? क्या किसी का ग्रह छंद देखना है? क्या किसी की कुंडली देखनी है? क्या किसी का अंतिम संस्कार करना है? पंडित जी ना ही किसी का राहु काल बिगड़ा और ना ही ग्रह प्रवेश, ना ही ग्रह नक्षत्र। तुम्हें मात्र विवाह संस्कार कराना है। अब समझा मैं, मंत्रीवर का विवाह कराना होगा, क्योंकि मंत्रीवर तुम्हारे मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, जीवन का पता नहीं, चले विवाह करने। क्यों मंत्रीवर, तुम्हारा विवाह? पंडित जी, जी महाराज, राज्य के पंडित हो, अनावश्यक बातें मत करो। तुम्हारा सम्मान करते इसलिए जीवित खड़े हो, वरना बबलता चमच गया, चमच गया, चमच गया, चमच गया। हमारा बताइए क्या आ गया है? पंडित जी शायद तुम्हें विदित नहीं है कि हमने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है। महाराज जब बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अब पहेलियां ना बुझाओ, सीधे सीधे आदेश करो। पंडित जी, आज आपको हमारी पुत्री मैना का विवाह संस्कार कराना है। राजकुमारी मैना की शादी?
एकदम आज अचानक? हाँ पंडित जी, इसी समय, आज ही इसी क्षण। तो महाराज एक बात तो आप भी जानते होंगे, कन्या के विवाह के लिए एक वर की आवश्यकता होती है, तभी विवाह संस्कार पूर्ण होता है। पंडित जी हमें ज्ञात है, आप सही से देखो, यही होगा दूल्हा। हाँ कहाँ देखूं? तुम देखो, यह तुम्हारा कार्य है और मैं भी अपनी मैना को लेकर आता हूँ। मंत्री भाई तुम तो सहयोग कर लो। अरे मुझे भी बहुत काम है। ढूंढो दूल्हा, राजा जी बोलकर गए, ढूंढो। ठीक है, दूल्हा ढूंढता हूँ। दूल्हा, ओ दूल्हा, दूल्हा, ओ दूल्हा, कहाँ दूल्हा? दूल्हा, ओ दूल्हा, यहाँ दूल्हा नहीं है, ऐसे नहीं आएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे आएगा दूल्हा। अर मेरे अंगने में, अर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? कहाँ दूल्हा रहता, वो कौन सा मकान है? मेरे अंगने में, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? कहाँ दूल्हा रहता, वो कौन सा मकान है? जिसका पति लंबा उसका भी बड़ा नाम है, लंबा जी लंबा, लंबा जी लंबा। जिसका पति लंबा उसका भी बड़ा नाम है। अरे हाथ में बल्ब दे दो, हाथ में बल्ब दे दो, सीढ़ी का क्या काम है? कहाँ दूल्हा रहता, वो कौन सा मकान है? तुम दूल्हा क्या, तुम तो बराती भी नहीं लग रहे। जिसका पति मोटा उसका भी बड़ा नाम है, मोटा जी मोटा, छोटा जी छोटा। जिसका पति मोटा उसका भी बड़ा नाम है। अरे बग्गी पे लगा दो, बग्गी पे लगा दो, वैसे का काम है? मेरे आंगन में तुम्हारा क्या काम है? कहाँ दूल्हा रहता, वो कौन सा मकान है? ए, तुम में से कोई दूल्हा नहीं हो सकता। चलो अपनी जगह पे बैठो, अपनी जगह पे जाओ, मुझे दूल्हा ढूंढने दो। अगर तुम बीच में आओगे तो मैं दूल्हा कैसे ढूंढूंगा? चलो सुनो, अब आप सभी ध्यान से सुनो और कानों से सुनना। जिस पति की चर्चा कर रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो इसी पंडाल में हो और मैं रास्ते में मिलूं, मेरी कहीं फुटबॉल मना दो, इसलिए सुना रहा हूं, ढूंढ रहा हूं दूल्हा। जिसका पति गंजा उसका भी बड़ा नाम है, गंजा जी गंजा, गंजा जी गंजा। जिसका पति गंजा उसका भी बड़ा नाम है। अरे अंगने में बैठा दो, अंगने में बैठा दो, लगे चौधरी का चांद है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? कहाँ दूल्हा रहता, वो कौन सा मकान है? कहाँ दूल्हा रहता, वो कौन सा मकान है? दूल्हा 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 दूल्हा, ओ दूल्हा। Thank you.
भैया हम है दूल्हा। तुम दूल्हा क्या बाराती भी नहीं लग रहे। आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे पंडित जी, आप बर की तलाश कर रहे हैं। हाँ कहाँ है? ये रहा, आओ हमारे पास। ये बर है बीमारी, राजकुमारी मैना के लिए बर तलाश किया महाराज ने। कुश्ती कोड़ी जी जी जी, कितनी दुर्गंध आ रही है। महाराज को बुलाना होगा। हाँ महाराज, महाराज कहाँ? महाराज, महाराज क्या हुआ? आप तो प्रजापालक है, आप रक्षक है, जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो प्रजा का क्या होगा? पंडित जी ठहरिए महाराज, आज मुझे बोलने दीजिए। और आप तो पिता है, क्या मैना आपकी पुत्री नहीं? क्या आपको उससे प्रेम नहीं जो आप उसके लिए सुयोग्य पर की जगह रोगी पर ढूंढ लाए? नहीं होने दूंगा ये विवाह, नहीं होने दूंगा। पंडित जी, बहुत बोल लिया, अति शीघ्र विवाह संस्कार की विधि पूर्वक तैयारी करो, तैयारी करो। ठीक है महाराज, आपने आदेश किया है तो तैयारी कर लेता हूँ। प्रजापालक, हे महाराज, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और आपके राजमहल में दूल्हा बनकर भी आया। ये क्या विडंबना है मैं समझ नहीं पा रहा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप मेरे साथ इतना बड़ा खेल मत खेलो। आपकी पुत्री है, कितनी कोमल नाजुक है, वह एक राजकुमारियों में कुश्ती गड़े हो। राजा जी क्षमा कर दीजिए, ऐसा नृत्य मत कीजिए। राजा जी मत कीजिए, ना समझ मत बनो श्रीपाल, हमारी कही का पालन करो। हमने जो फैसला किया है वह अटल है। भाग्य बदलूंगा, भाग्य भाग। जाओ मंत्री बल, मेरी मैना को लेकर आओ। जो आगे महाराज, जो आगे। मेरी मैना, भाग को, भाग को सब कुछ मानती है। आज ही राजा उसके भाग को बदलने जा रहा हूं। जी, जी राजा जी, बाबा क्या तैयारी हुई अब तक? जैसा जैसा आपने बताया मैंने सब मंडप तैयार कर लिया, हवन सामग्री तैयार कर ली, लेकिन राजा जी आप मैना रानी के साथ गलत कर रहे हो। खामोश, हमारे आदेश का पालन हर नागरिक करता है और तुम राज के पंडित हो, इसलिए मेरे आदेश का पालन करो।
पालन करो। मैं भी जब तक तैयारी करता हूं, हाँ तैयारी करता हूं। आपकी आज्ञा सिरोद्धार है, आपने जैसा भी वर देखा है वह स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, स्वीकार है। पंडित जी, विवाह संस्कार की विधि शुरू की जाए। ठीक है, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदा दियो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मंगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम। कन्या वर के गले में माला पहनाए, इति मंगल्यम मंगल्यम इति शुभ। वर कन्या के गले में माला पहनाए, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गोत्रोगणी, मंगलम कुंदवंदा दो, जय नरवो तु मंगला। इति विवाह विधि संपन्नम, हे राजनम मम दक्षिणाम, मम दक्षिणाम राजा जी, मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब मैं चलता हूं। मुझे मेरठ नगर में भी 3 विवाह संस्कार कराने हैं। राजकोष से मिल जाएगा, जाइए पंडित जी, आपकी दक्षिणा राजकोष से मिल जाएगी। ठीक है राजा जी। अब पंडित जी इधर आओ, थोड़ा कितना धन कमा लिया, पोटी खोल के तो मंत्री जी छोड़ दो, इधर देखाओ ये पोती, हाथे पोती गले में माला मिले के पंडित चला, लेके पंडित चला, हाथे पोती गले में माला लेके पंडित चला, लेके पंडित चला। तूने क्या कर दिया? एक कुष्ठ रोगी को अपना पति स्वीकार कर लिया। अरे पुत्री, मैं तो तेरे भाग्य की परीक्षा ले रहा था। मुझे नहीं पता था कि तू इस बात को सत्य कर देगी। बेटी उतार दे है माला, उतार दे, यह विवाह विवाह नहीं है। पिताश्री, आपने मुझे जो भी दिया, जैसा भी दिया पिताश्री,
पिताश्री मुझे स्वीकार है पिताश्री। ना पुत्रे ना, मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया, मैं ना सुंदरी कहे पिता से भाग्य उदय जब आएगा मेरा। मैं ना सुंदरी कहे पिता से भाग्य उदय जब आएगा, कोड़ीपति जो दिया आपने, कोड़ीपति जो दिया आपने, कामदेव बन जाएगा। मैं ना सुंदरी कहे पिता से भाग्य उदय जब आए, मैंने क्या कर दिया, ये मेरे हाथ क्या हो गया। आपकी पुत्री इस राजमहल से विदा हो रही है, मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री, आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद दूं तुझे, क्या आशीर्वाद, कैसा आशीर्वाद दूं, मेरे अपनी लाजट में तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। हो सके पुत्री इस लुनमोही पिता को जमा करना। नहीं पिताजी नहीं, आप व्याकुल ना हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरे पाक में जो लिखा है वही मिला है और मेरा आगे का जीवन जैसा होगा, इसमें आपका दोष नहीं है। भाग भाग कब तक भाग के सहारे रहेगी मेरी पुत्री। एक बार तो कह देती कि पिताश्री ये बीमार रोक दीजिए, मुझसे आवेश में आकर क्या अपराध हो गया। बेटी में राज के पद में यह भी भूल गया कि मैं राजा के साथ एक पिता भी हूं। नहीं पिताश्री, क्षमा प्रार्थी तो मैं हूं जो मैंने भगवान स्वरूप पिताश्री इतनी बातें कही। आप अधीन ना हो पिताश्री, मुझे खुशी खुशी पिता कीजिए ना पिताश्री, मुझे दुआएं दीजिए ना। हर बाबूल अपनी बेटी को विदा करते समय दुआएं देती है।
टेक रहे मेरी टेक रहे ये अभागा पिता तुझे हंसते भी क्या सकता है अरे सब कुछ तो तुझसे जी लिया जा मेरी बेटी जा दूंगा है आशीर्वाद तेरे साथ जा मेरा जा तुझको सुखी संसार मिले बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले मैं के कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले बाबुल की दुआएं जा तुझको सुखी संसार मिले जा रही हूँ पिताजी जा रही मेरा मेरा नाजों से तुझे पाला मैंने कलियों की तरह फूलों की तरह बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली तुझे हर पल नई बहार मिले मैं के कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले जा रही हूँ जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे उस घर में सदा तेरा राज रहे होंठों पे हंसी की धूप खिले माथे पे खुशी का ताज रहे कभी जिसकी जोत ना हो फीकी तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले मैं के कि कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले आज मेरी बहना मुझे छोड़कर चली गई मेरी बहना छोड़कर चली गई आज मेरी बहना चली गई मंत्रीलाल मुझे कुछ आवेश में क्या हो गया राजा जी आप भेद रखें आइए राजा जी चलिए मेरा मेरे पुत्री मेरा मेरा
चंद्र मोहन जी संपादक अपना जैन प्रभात दिल्ली वालों की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हुआ। एक बार तालियां बजा के अभिवादन। प्रत्येक भाई ने भी विशेष पुरस्कार दिया। एक बार तालियां बजा दीजिए उनके सम्मान में। ₹1100 जो आपके पंचकल्याणक में पधारे पुजारियों की ओर से दिए गए। एक बार तालियां बजा के अभिवादन। अब तो हम अवंती नगरे आ गए राजकुमार, सीमा भी पार कर ली। हमारे सात कर्मों के सब मारे सब चलते चलते थक गए होंगे। यही विश्राम कर लेते हैं। ठीक कहते हो मित्र, आओ मेला आज रात्रि यही विश्राम करते हैं। आओ मेला। स्वामी बेला मुझसे मुझसे दूर दूर बैठो, मुझसे दूर रहो बेला। स्वामी जहां आपके चरण वहां मैं, स्वामी मैं तो आपके दासी बनकर आई हूं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ना बेला ना, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया पिताश्री ने। बेला मैं नहीं जानता कितने अति शीघ्र तुम्हारा विवाह करा दिया। धन्य हैं आप जो इतने उत्तम विचार हैं आपके अपनी सहजता में छुपाए रखती है। जाओ मैना, मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूं, जाओ। स्वामी आप कैसी बातें करते हैं, मैं तो जीवन संगनी बनकर आई हूं। नहीं मैना नहीं, मेरा जीवन बर्बाद है। क्यों अपना जीवन मेरे साथ बर्बाद कर रहे? मैना मेरी माँ ने बड़े उपचार कराए, मेरी माँ भी उपचार कराते कराते कुष्ठी हो गए, मेरा भाई भी उपचार कराते कराते कुष्ठी हो गया। आप भी कुष्ठी हो जाओगी, चले जाओ बेला। नहीं स्वामी ऐसा नहीं हो सकता, आप ठीक हो जाएंगे। स्वामी एक औसत है हमारे पास। औसत? कैसी औसत? स्वामी सबसे बड़ी औसत होती है आत्मविश्वास की औसत। भगवान परीक्षा लेते हैं, सब अपने कर्मों का लेखा जोखा सबको भुगतना पड़ता है। कल प्रातः की वेला में अपने कंधे पर हाथ रखकर जिन मंदिर ले जाओगी, सभी सिद्धि क्षेत्र अति से क्षेत्र की यात्राएं कराऊंगी और भगवान से कहूंगी मेरा पाक बना दो, मेरी
स्वामी को ठीक कर दो। आप विश्राम करो स्वामी, सुबह होते मैं आपके लिए तीर्थ यात्रा ही कराऊंगी। समय बीता, मैं ना अपने पति को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर ले जाती, जिनालयों के दर्शन कराती, पुण्यार्जन करती। एक समय मैं ना सुंदरी दिगंबर मुनिराज के दर्शन करती, नमोस्तु निवेदित करती, पूरा वृत्तांत बताती, कारण पूछती इस दुख की अपार पीड़ा का, ऐसा क्यों हुआ। महामुनिराज वृत्तांत सुनाते हैं मैना को। हे मुनिराज नमोस्तु, मुनिराज नमोस्तु, मैं ये जानना चाहती हूं कि मेरी ये पत्नी की दशा, ऐसा क्या हुआ इनके जीवन में। श्राविका, तुम्हारे पति की यह दशा इनके पूर्व भव के पापों का फल है। जब यह अपने राज्य में राजा थे, तब श्रीपाल ने मुनि निंदा और उनका अपमान किया और दिगंबर मुनिराज का परिहास किया। अपने राज्य में आए हुए 700 मुनिराजों को समुद्र में फेंकवा दिया था, जिसके कारण इन्हें और इनके 700 साथियों की यह दुर्दशा है। उस पूर्व भव में श्रीपाल राजा हुआ करते थे, ये 700 आज भी इनके साथ हैं। पूर्वभव में यह सभी सैनिक हुआ करते थे। समझ में आया मैना? हे मुनिराज, क्या इसका कोई उपाय नहीं है जिससे है पूर्वभव बंद में किए कर्म का प्राचित कर सके। निसंदेह श्राविका, एक उपाय बताता हूं। आप इन सभी को उज्जैनी नगरी के जिनालय में लेकर जाइए और आगामी अष्टान का पर्व में श्री श्री 1008 सिद्ध चक्र विधान का अनुष्ठान कीजिए और यह अष्टान का में ही जिनेन्द्र प्रभु के गंधोदक प्रतिदिन लगाना है, श्रद्धा भक्ति से आराधना करनी है, बिना किसी विकल्प के, बगैर किसी संकलेश भाव के। ऐसे सिद्धों की आराधना करोगी तो यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। ऐसी जिनेन्द्र भगवान की महिमा गंधोदक के रूप में तुम्हें प्राप्त होगी। आशीर्वाद है मैना, आशीर्वाद है। नमोस्तु मुनिराज नमोस्तु, धन्य है आप, धन्य है आपका ज्ञान। जैसा आपने बताया मैं वैसा करूंगी स्वामी, वैसा करूंगी। मुनिराज ने हमारे कष्टों का निवारण बता दिया। हे अरियंत भगवान, मैं सिद्ध चक्र विधान रचाऊंगी। यह विधान मेरा सफल हो
आइए स्वामी, आप सभी वहां विराजमान हो जाओ। आओ स्वामी, मैं सिद्धों की आराधना करूंगी आप सभी के लिए। इधर आइए। हे स्वामी, आज अष्टांग का महापर्व का प्रथम दिन है। आज मैं आठों कर्मों का नाश करने के लिए आठ अर्घ आपके चरणों में समर्पित करूंगी। नमो अरिहंतम्, नमो सीताड़म, नमो आयदियाड़म, नमो उवजायाड़म, नमो लोए सबेसाहुड़म, नमो लोए सबेसाहुड़म। ओम रीम रमसियाउ सनमा, ओम रीम रमसियाउ सनमा, ओम रीम हरमसियाउ सनमा, ओम रीम हरमसियाउ सनमा, ओम रीम हरमसियाउ सनमा, ओम रीम हरमसियाउ सनमा। हे प्रभु, प्रतिदिन की भांति आज भी यह गंधोदक इन सभी पर छिड़क रही हूं। इन सभी को इस गंधोदक से पवित्र कर रही हूं। इनके कष्टों को दूर करना प्रभु। ओम रीम श्री अनंतानंद सिद्धि परमेश्वरभ्यो नमो नमः। ओम रीम अनंतानंद सिद्धि परमेश्वरभ्यो नमो नमः। ओम रीम अनंतानंद सिद्धि परमेश्वरभ्यो। ओम रीम रमसियाउ सनमा, 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 ओम रीम रमसियाउ सनमा। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी श्रद्धा प्रभु ने स्वीकार कर ली है। धन्य है मैना, धन्य है। हम सभी निरोगी हो गए मैना, निरोगी हो गए, निरोगी हो गए। स्वामी, यह तो विश्वास का फल है, प्रभु के प्रति लगन है। सभी से कहना चाहते हैं अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति।